उसने बेहद ही शातिर तरीके से पति के कत्ल की वारदात को अंजाम दिया था। उसने लाश को भी बड़े ही करीने से ठिकाने लगाया था, लेकिन उसकी एक भूल उसकी सभी साजिशों पर भारी पड़ गई। उसकी एक गलती ने न केवल उसे बेनकाब किया बल्कि रिश्तों को कलंकित करने वाली वारदात को भी उजागर कर दिया। फिरोजाबाद पुलिस को सुबह के वक्त कुछ लोगों ने जानकारी दी कि एक बोरे में बंद लाश रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई है। इस जानकारी के बाद मौके पर पुलिस फोर्स पहुंचा और बोरे को खोला तो उसमें एक युवक की लाश बरामद हुई। लाश की हालत इतनी खराब थी कि उसकी पहचान बमुश्किल पुलिस कर पाई। युवक की पहचान शिकोहाबाद के रहने वाले मनीष के रूप में हुई। पति को मालूम थी पत्नी की आशिकी। नाजायज रिश्तों में आड़े आ रहा था पति। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने किया कत्ल। पति की हत्या कर कातिल बनी पत्नी। लाश की शिनाख्त होने के बाद पुलिस शिकोहाबाद के नगला जलिया गांव पहुंच गई। भारी संख्या में पुलिस फोर्स देखकर गांव वालों को भी हैरानी हुई, लेकिन जब पुलिस ने गांव में मनीष के घर के बारे में पूछा तो लोगों का हुजूम पुलिस को लेकर मनीष के घर पहुंचा। अचानक पुलिस को देखकर मनीष की पत्नी आरती भी कांप गई। सहमी सहमी सी वो घर के किनारे पर खड़ी रही और पुलिस ने पूरे घर की तलाशी शुरू कर दी। तलाशी के दौरान पुलिस को घर से खून से सने कुछ कपड़े बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस ने मनीष के परिजनों को मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे परिजनों के अनुसार रात के वक्त घर पर केवल मनीष और उसकी पत्नी आरती ही थे। फिर कहां पे डाल दिया ले ये डाला लेने के लिए खेत के। किसने हत्या की है? ये घर में हुई है, इसमें था ही नहीं रात को। किस पे सका है आपको? सकता ये बहू थी घर में और दोनों बजे बहू और लड़के थे बस खाली। ये इलादी तो कम से कम यहाँ कोई मार गया है। परिजनों के बयान के आधार पर जब पुलिस ने मनीष की पत्नी आरती से कत्ल के बारे में पूछताछ शुरू की तो पत्नी ने बताया कि गांव के ही रहने वाले दीपेंद्र से उसके प्रेम संबंध है। इन प्रेम संबंध के बारे में मनीष को जानकारी थी। कई बार मनीष ने उसे प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालातों में देख लिया था, जिसको लेकर मनीष ने उसकी कई बार पिटाई भी की थी। इतना ही नहीं, उसका पति मनीष अब उस पर नजर रखता था, जिसकी वजह से वो अपने प्रेमी से मिल नहीं पाती थी। कुछ दिन पहले भी मनीष और आरती के बीच इसी बात को लेकर मारपीट हुई थी। तभी आरती ने तय कर लिया था कि नाजायज रिश्तों के बीच रोड़ा बन रहे मनीष को वो रास्ते से हटा देगी। अपनी इन्हीं साजिशों में उसने प्रेमी को भी शामिल किया। वारदात की रात आरती ने पहले से अपने प्रेमी को बुला लिया था। रात में काम से लौटने के बाद जब मनीष घर पहुंचा, तो पहले दोनों ने उसकी गला घोंटकर हत्या की, फिर उसके शरीर पर चाकू से कई वार किए। हत्या के तरीके से ही अंदाजा लगा लीजिए कि महिला अपने पति से कितनी नफरत करती थी। कई बार चाकू से गोदने के बाद भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने पति की नाक भी काट ली। इसमें पुलिस कार्रवाई की जा रही है। बाद में पूछताछ पे ये तथ्य आ रहा है कि इसकी पत्नी ने दो अपने साथियों के साथ मिलके इसकी हत्या की है और इसने कन्फेस भी किया है और बाकी पुलिस कार्रवाई FIR दर्ज करके और PM की रिपोर्ट के बाद और आगे कार्रवाई की। इस वारदात ने एक बार फिर साबित किया कि नाजायज रिश्ते हमेशा अपने पहलू में खौफनाक वारदातों को समेटे होते हैं। पुलिस की मुस्तैदी से बेनकाब हुई पत्नी की वजह से न केवल रिश्ते बल्कि समाज भी शर्मसार हो रहा है। अक्सर लोग इश्क के नाम पर शादी के बाद भी अवैध संबंधों को जन्म देते हैं, जो आखिर में कई जिंदगियों पर भारी पड़ जाते हैं। फिरोजाबाद से नेशनल वॉइस के लिए हिमांशु दीक्षित की रिपोर्ट।
कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता ऊपर वाला बनाता है और जोड़ियां धरती पर मिलती हैं, लेकिन जिस तरह से वारदातें सामने आ रही हैं उन्हें देखने वालों के मन में सवाल उठ रहा है कि ये कैसी कुदरत की बनाई जोड़ियां हैं जो कस्में तो सात जन्मों की खाती हैं लेकिन एक ही जन्म में एक दूसरे की जान की दुश्मन बन जाती हैं। तस्वीर में दिख रही इस लड़की की शादी महज 1.5 महीने पहले हुई थी, लेकिन इस लड़की ने कभी नहीं सोचा होगा कि इसकी छोटी बहन ही इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी विलन साबित होगी। ये दूसरी तस्वीर उस बदकिस्मत महिला की है जिसे अंदाजा नहीं था कि पति की फरमाइशों को पूरा करने की कीमत उसे जिंदगी देकर चुकानी पड़ेगी। दोनों ही वारदातें रिश्तों के साथ साथ समाज को भी शर्मिंदा कर रही हैं। बहन की जिंदगी में बहन बनी विलेन, साली के लिए पत्नी का घोंटा गला, फरमाइश पूरी ना होने पर पत्नी का कत्ल, हैवान बने पति ने पत्नी को छत से फेंका। पहली वारदात बदायूं जिले से सामने आई है। यहां के दातागंज थाना क्षेत्र में रहने वाली सुमन की शादी बीती 18 अप्रैल को पलिया गांव के सुरजीत से हुई थी। शादी के बाद से ही सुरजीत की नजरें पत्नी पर कम और पत्नी की छोटी बहन पर ज्यादा थीं। ऐसा नहीं है कि केवल सुरजीत की ही नजर साली पर थी, बल्कि सुमन की छोटी बहन भी रिश्तों की मर्यादा को लांग रही थी और उसकी नजदीकियां भी अपने जीजा की तरफ लगातार बढ़ रही थी। इस 1.5 महीने के वक्त में सुरजीत कई बार साली से मिलने के लिए ससुराल जा चुका था। साथ ही कुछ दिन पहले ही वो पत्नी की छोटी बहन को लेकर अपने घर भी आ गया था। दोनों के बीच नजदीकियों की भनक सुमन को भी थी। इन दिनों सुरजीत पत्नी के साथ अपने ससुराल जिगनिया गांव आया हुआ था। ससुराल में बीते शुक्रवार की शाम को सुमन पड़ोसी के घर चली गई। सुमन की माँ कुसुम एक कमरे में आराम कर रही थी। इस बीच सुमन लौटी और उसने दूसरा कमरा खोला तो वहाँ सुरजीत और प्रिया को आपत्तिजनक हालत में देखकर वो भड़क गई। आरोप है कि इसके बाद सुरजीत ने तकिए से मुंह दबाकर और गले में दुपट्टा कसकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में देर रात और सुरजीत के साले प्रमोद कुमार ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। सुरजीत को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। हमारे लड़के सुरजीत और इनकी जो लड़की खत्म हुई है उसकी छोटी बहन प्रिया, इनमें अवैध संबंध हो गए थे। इस लड़की को कुछ उसकी बात मालूम पड़ी या उसने देख लिया हो, कुछ किया हो, तो उसने कुछ ऑब्जेक्शन उठाया। ऑब्जेक्शन उठाने के बाद में इन दोनों ने प्लान बना लिया और लड़की की गला दबा करके हत्या कर दी। पुलिस ने बॉडी पंचायतनामा करके उसके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इसमें भी जो जांच रिपोर्ट पोस्टमार्टम में आएगा उसके हिसाब से ये हत्या है या आत्महत्या है, इसको हम देखेंगे डॉक्टर की रिपोर्ट के हिसाब से और इसी हिसाब से अभी उनके पति से और उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है। दूसरी वारदात फिरोजाबाद जिले से सामने आई। यहाँ रात के वक्त शराब के नशे में धुत पति मनोज घर पर लौटा और आधी रात को पत्नी रानी से नॉनवेज बनाने की बात कही। रानी ने इनकार कर दिया और इसी बात से गुस्साए मनोज ने पहले तो पत्नी की जमकर पिटाई की, फिर उसे छत पर ले जाकर धक्का दे दिया। रात के वक्त छत से गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे, जिस पर आरोपी पति ने लोगों से पत्नी का पैर फिसलने का बहाना बनाया। गंभीर रूप से घायल पत्नी को लोगों की मदद से आरोपी ने अस्पताल में भर्ती कराया और मौके से फरार हो गया, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान रानी की मौत हो गई। पति के फरार होने के बाद लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। फरार पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पचमान है ना, जो यहाँ रहती थी वहाँ पर पहुँचे हैं सब, तो वहाँ ऐसा हुआ कि वहाँ देखा और लोगों को पूछा तो उन्होंने बताया था रात को इसमें मारपीट हुई है। कोई भीट वीट के चक्कर में तब उसने लड़की ने मना कर दी थी कि मैं नहीं बना रही हूँ। उसके पीछे तो विवाद हुआ, विवाद होने के बाद इतने भूखनी भूखनी से क्या से उसके सर में चोट मारी, वो बेहोश पे गिर गई है। उसके बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने तीसरी मंजिल से हेलो करते हुए बेहोश हो गई है। उसके बाद उसको नीचे पटक दिया, पूरी रात वो पड़ी रही है। जब ये सुबह गए हैं फिर गांव के लोग आए हैं, उन्होंने उसको ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। थाना क्षेत्र नारकी के अंतर्गत पचवान में काशीराम बलोनी में एक पति द्वारा रात पी के अपनी पत्नी को
लाठी से उसके सर पे वार किया जिससे उसको गहरी चोट लगी, दौरान इलाज उसकी डेथ हो गई। बाद में इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, दो लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, एक की गिरफ्तारी से। ये दो तस्वीरें रिश्तों को कलंकित करने वाली वारदातों को उजागर करने के लिए काफी हैं। दो अलग अलग जिलों से सामने आई ये वारदातें पूरे समाज को शर्मिंदा कर रही हैं। गुस्सा और नाजायज रिश्ते हमेशा खौफनाक तस्वीरों को सामने लाते हैं। ऐसी वारदातें एक साथ कई जिंदगियों को तबाह कर देती हैं। बरेली से विवेक सिंह, फिरोजाबाद से हिमांशु दीक्षित, नेशनल वॉइस। सौ नंबर पर फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ और चेहरों को करेंगे बेनकाब, सामने लाएंगे गुनाह की कुछ और तस्वीरें। तब तक रहिए सतर्क और सुरक्षित। जय हिंद।